ठीक है, ये क्या है आय, इसकी मात्रा कैसी होती है एक, ये रहे, और ये आय, इसकी मात्रा दो होती है, कैसे ये। तो आज पहले तो एक ही मात्रा तो हमने सीख ली, आज आय की मात्रा और उसका उपयोग, उपयोग मतलब लेके फिट करना, लगाना, रखना, ठीक है। ये अब हमारे पास ये चार्ट है, चार्ट इसमें अलग अलग शब्द लिखे हैं, हम इन अक्षरों और मात्राओं को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे और उनका अर्थ संकेत जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, संकेत क्या है, अर्थ क्या है, यह सब हम जानेंगे। ठीक है, पहला है व जमा आय की मात्रा जमा ला, नया शब्द बना बै ल, ये ना? इसका हिंदी में अर्थ या संकेत होता है क्या, बैल। इसको इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे करेंगे, ओ एक्स, संकेत साइन समान रहेगा। दूसरा है ग जमा आय की मात्रा जमा सा, नया शब्द बना गए सो, गैस, संकेत अर्थ क्या हुआ, हमारा जो खाना बनाने वाला कुकर में एक लाल सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस भरी होती है, वो भी एक गैस, संकेत बना गैस, इंग्लिश में जी ए एस, हिंदी संकेत बनेगा गए सो, इंग्लिश में संकेत बनेगा गैस। ठीक है, तीसरा है मा जमा आय की मात्रा जमा ला, तीन है ना। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या बना, मैं ल, और इंग्लिश में क्या बना, डी आई आर टी, मैं ल। मैल का मतलब होता है गंदा, जैसे अपने हाथ पे वो होते ना अपन कोई पत्थर से साबुन से, तो वो तो हटा देते, कपड़ों के अंदर भी कुछ इधर गंदा काला काला, वो मैं लो। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं डी आई आर टी, डर्ट, गंदा कोई भी वस्तु। ठीक है, चौथा शा जमा आय की मात्रा जमा ला, नया शब्द बना शै ल, शै। इसका पहले तो हिंदी में अर्थ, चट्टान, कहीं भी जाते हो बड़ी बड़ी चट्टान उसको हम शैल बोलते हैं, ठीक है, और उसको इंग्लिश में आर ओ सी के, रॉ, वो बड़ी बड़ी, कहीं भी बड़े मैदान में जाके कहीं देखोगे तो पर्वत,
पहाड़ पे बड़े बड़े पत्थर, इनके ऊपर चढ़ने में भी तकलीफ होती है, डर लगता है ना, कहीं गिर गए तो रॉक छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, और बड़ी भी होती है, और बहुत बड़ी भी होती है। ठीक, ये चार। अब पांचवा, ग जमा वा, जमा ए की मात्रा, जमा या, नया शब्द बना ग वै या, गवैया, मतलब टीवी पे देखते हो ना, वो माइक पकड़ के, है ना, गवैया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SINGER, मतलब गाने वाला, गवैया या सिंगर। ठीक, छठवा, ता जमा आय की मात्रा, जमा या, नया शब्द बना ता तय या ततैया। देखा है कभी इसको, कहाँ होता है? अरे वो कहीं, वो जो है ना, कहीं अपन उनको छुओ तो वो गुस्से से आगे काट लेते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ततैया, इंग्लिश में WASP, वास, मतलब अब तो समझ गए ना, ये नाम याद रखना कहीं भी, देखिए इसका नाम क्या है, बहुत कहीं इधर अभी ठंड में बहुत बाहर देखने को मिल जाएंगे, ये पीली भी होती है, लाल भी होती है, काली भी होती है, बहुत खतरनाक। ततैया। फिर है मा, जमा आई की मात्रा, जमा या, नया शब्द बना मैं या मैया। अब इसका इंग्लिश में लिखा है, समझ जाओगे, MOTHER, क्या है मालूम होना चाहिए, मदर, एक साइन, साइन एक मदर, दूसरा साइन बनता है इसका मदर, घर पे है ना। अब भ जमा आय की मात्रा, जमा या, क्या बना? वे या, इंग्लिश में BROTHER, मतलब, हाँ ये तो मालूम है, बहुत बढ़िया है ना, छोटा बड़ा भाई, ब्रदर। फिर ना जमा आई की मात्र, जमा या, नया शब्द बना नए या नया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन या अनुवाद हुआ BOAT, क्या होता है? बी फॉर बोट, नैया, है ना, बड़ी होती है, बैठ के फिर खेते हैं पानी में, वो जाती है,
फिर वो जो आपने बोला वो ये है, पैदा मतलब जन्मा या उगा, राइजअप, पैदा या वो ये है BORN, बॉर्न या जन्मा। फिर इसका मतलब ये ब जमा, आई की मात्रा, जमा ठ, जमा क, शब्द बना बे ठक, बैठक, मीटिंग, जैसे मैं यहां हूं, आप लोग बैठे, हम लोग मीटिंग पढ़ने के लिए मीटिंग, वो बैठक मीटिंग। फिर शा जमा ए की मात्रा, जमा ता, जमा ना, नया शब्द बना शैतान, शैतान। इसका इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद करें तो DEVIL। वो खतरनाक, वो है ना, डेविल। फिर स्वा जमा आई की मात्रा, जमा ला, जमा हुआ, नया शब्द बना पे ला वो, फैला या एक्सटेंशन, फैला विस्तार करना। ठीक, इसी तरीके से इन शब्दों को भी आपने लिख तो लिया है, इनके संकेत पता करना, अगर समझ में नहीं आए बाद में आके पूछना, मैं आपको बताऊं। ठीक है।